Hello everyone, let's study the chapter 6, population. Now population क्यों बहुत ज़्यादा important है? किसी भी country की economy और society को develop करने के लिए population को develop करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. It is the people who use resources and are themselves resources with varying quality. Now coal तब तक सिर्फ एक piece of rock था जब तक हमने उसको यूज करना नहीं सीख लिया था अपने फायदे के लिए. नेचुरल इवेंट्स लाइक रिवर फ्लड, सुनामी, दे बिकम डिजास्टर ओनली व्हेन दे अफेक्ट अ क्राउडेड विलेज और अ टाउन, अदरवाइज दे आर जस्ट नेचुरल इवेंट्स. सिंस पॉपुलेशन इज द पिवोटल एलिमेंट इन सोशल स्टडीज, इट इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ रेफरेंस. पॉइंट ऑफ रेफरेंस इस तरह से कि कोई रिसोर्स सिर्फ तब रिसोर्स है अगर उसका ह्यूमन पॉपुलेशन फायदा उठा सकती है. कोई कैलमिटी या डिजास्टर सिर्फ तब डिजास्टर है अगर ह्यूमन बींग उससे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है. नाउ ह्यूमन बींग्स जो है वो है प्रोड्यूसर्स भी है और कंज्यूमर्स भी है अर्थ के रिसोर्सेज के. नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ह्यूमन बींग्स को अंडरस्टैंड करें कि वो किस तरह से पॉपुलेटेड है, कितने लोग हैं और उनके नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, तो उस हिसाब से हम रिसोर्स को अलोकेट कर सकते हैं इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए. नाउ उसके लिए हम एक प्रोसेस यूज करते हैं जिसको बोलते हैं सेंसस. सेंसस क्या चीज है? इस सेंसस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद कैलकुलेशन है एक किसी पर्टिकुलर प्लेस की पॉपुलेशन की. नाउ पहला जो सेंसस हुआ था वो 1872 में हुआ था, बट ये पूरी कंट्री का सेंसस नहीं था इंडिया में. बट उसके बाद 1881 में एक सेंसस हुआ जो कि पूरी कंट्री में हुआ, और उसके बाद सेंसस हर 10 साल के बाद होता है. नाउ द क्वेश्चन इज कि हम सेंसस में क्या जानने की कोशिश करते हैं. तो देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम आंसर करने की कोशिश करते हैं सेंसस में. वन इज द पॉपुलेशन साइज, कि पॉपुलेशन साइज कितना है किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है कि कहाँ पर ज्यादा लोग रहते हैं और कहाँ पर कम रहते हैं, एंड वी ट्राई टू स्टडी एवरीथिंग. नाउ सो द सेकंड पॉइंट हियर इज द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, कि पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हुई है और प्रोसेस क्या है पॉपुलेशन चेंज का, कि इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, ये सब जानने की कोशिश करते हैं. द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज ऑफ द पॉपुलेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह की है, एज कितनी है मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन की, सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल है, कंपोजिशन क्या है, और क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब कि लिटरेसी रेट्स किस तरह के हैं, कितने लोग एजुकेटेड है या किस तरह की एजुकेशन है उनके पास, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है कि वो किस तरह के काम कर रहे हैं, एंड द अबव ऑल व्हाट आर द हेल्थ कंडीशंस ऑफ द पीपल. तो ये सब जानने की हम कोशिश करते हैं एक सेंसस में, जिससे हम फर्दर स्टडीज करते हैं किसी प्लेस की. नाउ पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ दिस बुक हैज डिस्कस्ड पॉपुलेशन साइज अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, बट आई वॉन्ट टू शो यू दिस PDF here कि 2001 की population के हिसाब से. Now population of India कितनी थी? 1210.19 million population थी 2011 में. Now this population is distributed over a land which is 3.28 million square kilometer. तो India का जो total contribution है world की population में, it is of 2.4%. नाउ इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टेट कौन सी है? इट इज द उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश एंड द लीस्ट पॉपुलर स्टेट इज सिक्किम, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है. नाउ अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो सबसे कम जो पॉपुलेशन है वो कहाँ की है? लक्षद्वीप की. और सबसे ज्यादा कहाँ की होगी? यू कैन कॉमेंट इन द सेक्शन बिलो. नाउ अगर हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है यूपी में है, उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल या आंध्र प्रदेश. तो बट अगर ऐसे बात करूं, ये जो पांच मेजर स्टेट्स है अराउंड 48% कंट्रीब्यूशन तो इनका ही है इंडिया के पॉपुलेशन में, मतलब कि बाकी की स्टेट्स का 52% और इन पांच की स्टेट्स का 48%. यू कैन सी के ये जो स्टेट्स है बहुत ज्यादा हाईली पॉपुलेटेड स्टेट्स है. Now when it comes to population, it is important to understand what is population density. It is the number of people per unit area.
जनरली हम 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं हम वो जानने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया के 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, मतलब कि लेंथ भी 1 स्क्वायर किलोमीटर है, विड्थ भी, और ये चारों साइड से अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर का एक बॉक्स हो तो उसमें कितने लोग रहते हैं, एवरेज इज 382 पर पर्सन स्क्वायर किलोमीटर। नाउ सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कहाँ की है, बिहार, मतलब कि बिहार में एक छोटे रीजन में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, मतलब एक पर स्क्वायर किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं, जबकि सबसे कम अगर स्टेट में बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश है जो कि सिर्फ 13 स्क्वायर किलोमीटर, 13 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। नाउ द स्टेट्स हैव पॉपुलेशन विच हैव पॉपुलेशन डेंसिटी 250 के कम, वहां पर क्या है, दे हैव डिफिकल्ट क्लाइमेट, रग्ड टोपोग्राफी या हार्श लिविंग कंडीशंस, ये सारे जो फैक्टर्स है वो वहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं, इस वजह से वहां की पॉपुलेशन बहुत कम होती है। फॉर एग्जाम्पल इज द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या फिर हिमालयन स्टेट सच एज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर जम्मू एंड कश्मीर। नाउ इफ यू सी मोस्ट ऑफ द पॉपुले मोस्ट ऑफ द स्टेट्स दैट आर इन डेक्कन पेनिनसुला दे आर मॉडरेटली पॉपुलेटेड, ये किस वजह से, क्योंकि दे हैव हिली एंड डाइसेक्टेड टेरेन, वहां पर बारिश बहुत ज्यादा कम होती है और जो सॉयल है वो इतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं है, इस वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं कर सकती है। तो पेनिनसुलर इंडिया में बहुत कम पॉपुलेशन है एज कंपेयर टू प्लेन्स इन नॉर्थ इंडिया या केरला। नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, नॉर्दर्न इंडिया के जो प्लेन्स है, यूपी बिहार सच एज पंजाब हरियाणा, यहाँ पर क्या होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, फ्लैट टेरेन है और जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट करती है। नाउ इज द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। नाउ पॉपुलेशन एक डायनेमिक फिनोमिनन है जो वक्त के साथ हमेशा चेंज होता रहता है। द नंबर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। दिस इज द इंफ्लुएंस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ थ्री प्रोसेस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वन इज द बर्थ एंड अदर इज डेथ, कि बर्थ कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग मरे, एंड माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब कि यहाँ से रूरल से अर्बन में माइग्रेट होना या अर्बन से रूरल में माइग्रेट होना, ये सारी चीज़ें किसी जगह की पॉपुलेशन को डिफाइन करती है। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली इज द पॉपुलेशन ग्रोथ। इट रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर्स ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री और अ टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। नाउ पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हुई है उसको हम दो तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं। वन इज बाय द एब्सोल्यूट नंबर्स। ये एब्सोल्यूट नंबर्स कितना है, मतलब कि अगर सेंसिस 2001 में हुआ था तो कितने लोग रहते थे एक जगह पर, और 2011 में कितने हैं, तो हेड काउंट से हम बात करते हैं। एंड द अदर इज द रेट ऑफ पॉपुलेशन इन परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब कि एनुअल ग्रोथ रेट कितना है, कि टोटल जो पॉपुलेशन में इंक्रीज कितने परसेंट हुआ है, तो ऐसे हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को। नाउ सिंस 1981 वी हैव सीन देयर इज द डिक्लाइन इन द रेट ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन। 1947 के बाद 1981 तक देर वॉज अ फेयर इंक्रीज इन द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, बट 1981 के बाद वी हैव सीन के थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, ऑल्दो कि स्टिल हम इम्प्रूव कर रहे हैं, बट देर इज दिस स्लाइट डाउनफॉल इन the rate of growth. Now it is essential to realize that India has a very large population and agar hum thoda sa population, agar let's say ki agar 5% bhi increase hota hai, we have a population in billions, to agar sirf 5% bhi increase hote hai to high number of per head would be increased still, ki ye bahut zyada hai. Now ek survey ke hisab se agar baat kare, in 2045 इंडिया विल बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, कि इस ही ग्रोथ रेट से अगर हम बढ़ते रहें, जो पर्टिकुलर जो जनरल ट्रेंड अभी चल रहा है। नाउ लेट्स स्टडी द प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज और द ग्रोथ। नाउ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड के देर आर थ्री फैक्टर्स, वन इज द बर्थ रेट, द अदर इज द डेथ रेट एंड द माइग्रेशंस। नाउ व्हाट इज बर्थ रेट, इट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000
पर्सन इन अ ईयर, कि 1000 लोग हैं तो नए बच्चे कितने पैदा हुए हैं। इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रोथ इन इंडिया, क्योंकि बर्थ रेट हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा है। द अदर इज द डेथ रेट। नाउ व्हाट इज डेथ रेट? डेथ रेट इज द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। अगर 1000 लोग हैं तो उनमें से कितने लोग मरते हैं? इट इज द डेथ रेट। नाउ द मेन कॉज ऑफ इंडियाज ग्रोथ इज द डिक्लाइन इन द डेथ रेट। 1981 के बाद क्या हुआ? लेट्स से आजादी के बाद जब भी हमने शुरू किया एज अ कंट्री डेवलप होना, वी आर स्टिल इन अ डेवलपिंग प्रोसेस, तो हमने हेल्थ फैसिलिटीज और लोगों की नॉलेज को इंक्रीज किया, तो उस वजह से क्या हुआ, लोगों ने खासा ध्यान रखा अपनी हेल्थ पे और डेथ रेट जो है स्लो होता गया, बट जो बर्थ रेट था वो इंक्रीज होता गया। तो इस वजह से हमारी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होती गई और स्टिल इंक्रीज कर रही है। नाउ द थर्ड कॉम्पोनेंट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है कि लोगों की मूवमेंट अक्रॉस रीजन या टेरिटरीज में। तो माइग्रेशन दो तरह की हो सकती है। वन इज इंटरनल। इंटरनल मतलब कि विद इन कंट्री, मतलब कि अगर यूपी से आप पंजाब को माइग्रेट हो जाओ, या बिहार से पंजाब को माइग्रेट हो जाओ, या हिमाचल प्रदेश को माइग्रेट हो जाओ, दिस इज कॉल्ड इंटरनल माइग्रेशन। और दूसरी तरह की माइग्रेशन हो सकती है इंटरनेशनल, इट इज बिटवीन द कंट्री। जैसे नेपाल से बहुत ज्यादा लोग हर साल इंडिया आते हैं, या फिर इंडिया से यूएस बहुत ज्यादा लोग जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। नाउ इंटर जो इंटरनल माइग्रेशन है, इट डज नॉट चेंज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। कि साइज पॉपुलेशन, आप हिमाचल में रहो या बिहार में रहो, तो पॉपुलेशन जो साइज है कंट्री का वो सेम होगा, बट ये क्या इन्फ्लुएंस करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन अ नेशन। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि अगर हिमाचल प्रदेश में 60 लाख लोग रहते हैं, तो अगर बहुत ज्यादा माइग्रेंट्स आ जाएंगे तो वो 80 हो जाएंगे, ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगी, जो यूपी में रहने वाले थे वो इधर को आ जाएंगे। नाउ दिस माइग्रेशन इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द चेंजिंग एंड द कंपोजिशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। नाउ जैसे जैसे कंट्रीज डेवलप होती है, रूरल पॉपुलेशन कम कम होती जाती है और अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। नाउ इंडिया हैज सीन द रूरल अर्बन माइग्रेशन has a steady increase in the percentage of population in cities and towns. The urban population जो 17.29% थी 1951 में, now 2001 के census के हिसाब से 27.78% हो गई थी। There is significant increase in number of million plus cities. Million plus cities मतलब जहां की population million से ज्यादा है। It was 23 in 1991 और 2001 में ही ये 35 हो गई थी। This tells you कि लोग किस तरह से urban migrate हो रहे हैं। Now is the age composition. Now age, it refers to the number of people in different age groups. ये basic characteristics है किसी भी population का, to an important degree. किसी अ पर्सन की जो एज है वो इन्फ्लुएंस करती है कि उसको क्या खरीदना चाहिए, या परफॉर्म करने की कैपेसिटी क्या है, या नाउ इट विल आल्सो डिफाइन कि कितने परसेंट जो लोग हैं वो बच्चे हैं, कितने परसेंट जो लोग हैं वो वर्किंग एज ग्रुप में हैं, एंड दीज आर सम नोटेबल। Now you see this pie chart here, adults are 58.7% in India and aged people above 59 जो ईयर से ज्यादा है, 6.9%, and children are 34.4%. Now it is important कि understand करो आप अपने characteristics और उस हिसाब से government जो है policies बना सकती है किसी particular state के लिए या country के लिए, कि age group किस तरह का है। For example, this जो children age group है 34.4%, they are economically unproductive, और इन सब चिल्ड्रन को क्या है, दे शुड बी प्रोवाइडेड विद फूड, क्लोथिंग एंड एजुकेशन एंड मेडिकल केयर, बट दीज पीपल हु आर एडल्ट्स 58.7% पीपल, दे आर द मोस्ट प्रोडक्टिव पीपल, एंड वो इंडिया की या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। नाउ एज्ड पीपल हु आर अबव 59 ईयर्स, दे कैन बी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव दो दे मे हैव रिटायर्ड, दे मे बी वर्किंग वॉलंटरीली, or they are not available for employment through recruitment. The percentage of children and the aged affect the dependency ratio, because these groups are not producers. So the most important is the working class people, ke kitne hai kisi country mein. Now let's study about sex ratio. Now it is defined as the number of females
पर 1,000 मेल इन द पॉपुलेशन. नाउ व्हाट डज इट मीन कि अगर 1,000 मेल है किसी पर्टिकुलर जगह पर तो वहां पर फीमेल कितनी है, दैट इज द सेक्स रेशियो. नाउ सेक्स रेशियो, नाउ द सेक्स रेशियो इज 943 जो है कंट्री की सेक्स रेशियो है, मतलब कि अगर 1,000 मेल है तो देर आर ओनली 943. वी नीड टू गेट दीज नंबर अबव. नाउ केरला इज द नंबर 1,084 फीमेल्स पर 1,000 मेल्स. नाउ इन यूनियन टेरिटरीज पुडुचेरी इज द फर्स्ट, दैट इज 1,037 फीमेल पर 1,000 मेल्स. नॉट द हरियाणा के जो लोग हैं दे आर द वर्स्ट परफॉर्मर्स इन द सेक्स रेशियो, दे हैव ओनली 879 फीमेल्स अगर उनके पास 1,000 मेल. नाउ दिल्ली हैज ओनली 868. नाउ द वर्स्ट परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी इज दमन एंड दीव, इट हैज ओनली 710 फीमेल पर 1,000 मेल. नाउ व्हाट इज अ लिटरेसी रेट? नाउ लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. लिटरेसी मतलब पढ़े लिखे लोग. नाउ अकॉर्डिंग टू 2001 अ पर्सन एज्ड 7 years एंड अबव, कोई भी इंसान 7 साल या उससे ऊपर का, हु कैन रीड, हु कैन राइट एंड अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज इज टर्म्ड एज लिटरेट. नाउ देर हैज बीन स्टडी इंप्रूवमेंट इन लिटरेसी लेवल इन इंडिया. द लिटरेसी रेट इन द कंट्री एज पर सेंसस 2001 64% है. नाउ 2011 के हिसाब से लिटरेसी रेट इज 74.04%. नाउ द केरला इज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन लिटरेसी. सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कौन सी स्टेट में है? इट इज द केरला. और सबसे बुरा परफॉर्मिंग स्टेट इज अगेन द बिहार स्टेट. नाउ वी हैव स्टडीड सेक्स रेशियो एंड लिटरेसी. नाउ वी नीड टू नो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. किसी भी कंट्री की लिटरेसी रेट डिफाइन करेगी कि ऑक्यूपेशनल जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है. नाउ व्हाट इज ऑक्यूपेशनल? इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन, कि किस तरह के काम करेंगे. नाउ द फर्स्ट इज द प्राइमरी एक्टिविटीज. प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या होता है? एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड माइनिंग. सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आती है सेकेंडरी एक्टिविटीज में, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क्स एटसेट्रा. नाउ द टर्शियरी जो सेक्टर है इसको हम ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कॉमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सर्विसेज. नाउ द प्राइमरी जो सेक्टर है उसको हम एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री से कर दिया. सेकेंडरी एक्टिविटीज आर ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर. एंड द टर्शियल जो एक्टिविटीज है दे आर ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर. नाउ कोई भी कंट्री जब अपना डेवलपमेंट पाथ शुरू करती है उसमें क्या होता है? सबसे ज्यादा लोग शुरू में प्राइमरी एक्टिविटीज में एंगेज होता है. जैसे जैसे कंट्री डेवलप हो जाती है प्राइमरी सेक्टर से लोग बाहर आना शुरू होते हैं. दे वर्क मोर इन सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज. तो डेवलप्ड कंट्रीज जैसे जर्मनी या अमेरिका में यू विल सी कि सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर का बहुत ज्यादा योगदान है कंट्री की जीडीपी में, जबकि इंडिया इज स्टिल ऑन द डेवलपिंग पाथ. 1951 में बात करें तो प्राइमरी सेक्टर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता था. आज की डेट में इट ओनली कॉन्ट्रीब्यूट 14%. तो इट विल कीप ऑन श्रिंकिंग. नाउ हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन. ये डिफाइन करता है किस तरह की हेल्दी पॉपुलेशन है तो प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी. नाउ डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हेल्थ कंडीशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है कंट्री में, इट इज स्टिल अ कंसर्न फॉर इंडिया. अगर मैं इसे बात करूँ द पर कैपिटा कैलोरी कंजप्शन अभी भी बहुत ज़्यादा कम है जो कि इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से. नाउ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन एमिनिटीज आर अवेलेबल ओनली टू 1/3 ऑफ द रूरल पॉपुलेशन. दीज आर प्रॉब्लम्स दैट शुड बी टैकल्ड थ्रू अ प्रॉपर पॉपुलेशन पॉलिसी. ना अडोलेसेंट पॉपुलेशन. ना अडोलेसेंट पॉपुलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया की कंट्री के लिए, क्योंकि 1/5 ऑफ द कंट्री की जो पॉपुलेशन है इट इज अडोलेसेंट. अडोलेसेंट जो लोग हैं वो 10 से 19 साल की एज ग्रुप के बीच माने जाते हैं और दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द फ्यूचर. न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अडोलेसेंट्स की बहुत ज़्यादा होती है एक एडल्ट और चाइल्ड से. पुअर न्यूट्रिशन can lead to deficiency and stunted growth, but in India the diet available to adolescent is not up to
the international levels. A large number of adolescent girls suffer from malnutrition and anemia. So adolescent girls have to be sensitized to the problem they confront. Their awareness can be improved through the spread of literacy and education among them. Independence ke baad, we have realized the importance of family planning is very important for individual health and welfare. So, humne ek sabse pehli jo comprehensive family program ki policy thi, it was started in 1952. Uske baad, the national population policy was started in 2000. Now, it provides framework for imparting free and compulsory education up to 14 years of age. Now, it has another policy to reduce infant mortality rate below 30 per thousand live births. Now all vaccines, should be provided to the children, promoting delayed marriage for girls, making family welfare a people-centered program. Now we realized in National Population Policy 2000, adolescent are the most important section of the population. So besides nutrition requirements, policy ne bahut zyada emphasis kiya in protection from unwanted pregnancies, STDs, jo sexual transmitted disease ho sakti hai. It called for programs that aims towards encouraging delayed marriage and childbearing, education of adolescent about the risk of unprotected sex, making contraceptive services accessible to affordable, providing food supplements, nutritional requirements, strengthening legal measures to prevent child marriage. People are nation's most valuable resource. A well-educated, healthy population provides potential power. Now, if you like the video, please give it a thumbs up and share it.